कोरोना से देश ही नहीं दुनिया बेहाल है। पूरे भारत में लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बंद हैं। ऐसे में किसी को भी खाने की परेशानी ना हो, बात का पूरा ख्याल रख रहा है रेज इंडिया फाउंडेशन, जिसमें खाना खिलाओ पुण्य कमाओ मुहिम के तहत जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। रेज इंडिया फाउंडेशन के इस काम को देखते हुए राजेश यादव, हैप्पी, राजू, किशन लाल, बिट्टू, दलजीत, रविंदर जैसे कई स्थानीय लोग सामने आए हैं, जो आज रेज इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस मुहिम में अपना योगदान दे रहे हैं। रेज इंडिया फाउंडेशन के प्रमुख संजीव ने बताया कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते उन्होंने सैनिटाइज किट और 21 दिनों तक चलने वाला कच्चा राशन प्रतिदिन 50 परिवारों को दिया जा रहा है। जो लोग उनकी इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, वह इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रेज इंडिया फाउंडेशन की इस मुहिम में अब खाना लेने वाले जरूरतमंद लोगों की संख्या बढ़कर सैकड़ों हो चुकी है और वेस्ट दिल्ली में कई जगह इनकी संस्था लोगों तक खाना पहुंचा रही है। हम लोग यहाँ पे जैसे सभी लोग जुड़े हुए हैं ना, उस तरह से यहाँ पे खाना पैक कराते हैं और 200 एक आदमियों का ना खाना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 5-7 वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, कुछ जगहें हमने तलाश की हुई हैं जहाँ पे खाना पहुँच नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे हम खाना लोगों के पास पहुँचा देते हैं। सर, कैसे आइडिया आया दिमाग में कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए? अभी लग रहा था देश को ज़रूरत है और हालात ऐसे थे और मीडिया में तो इतना कुछ चल ही रहा है कि खाना नहीं पहुँच पा रहा लोगों के पास। तो ये आपने कब से शुरू किया? सिंस लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद से स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। सर, मेरा नाम मिन्हास कमाल है और जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग यहाँ लोकल सपोर्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे एनजीओ है रेज इंडिया फाउंडेशन के नाम से, प्लस यहाँ पे लोकल सपोर्ट जैसे हैप्पी भाई साहब, मीनू भाई साहब और कुछ लोग हैं, सबके साथ मिलके हम लोग डेली सुबह शाम मिला के 400-450 लोगों को हम लोग खाना पहुंचाते हैं। हम लोग खुद से सर्वे किया किसको ज़रूरत है, ऐसा नहीं किसी को भी हम दे देते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको पहले सिलेक्ट किया, डेली उनके पास खाना सुबह दोपहर में या शाम में पहुंचता है। तो आप किस तरीके का खाना देते हैं, सूखा खाना या? नहीं, हम डेली मेनू हमारा चेंज होता है मेनू, कभी रोटी सब्जी होता है, कभी पूरी सब्जी होता है, कभी करी चावल, दाल चावल, डेली अलग अलग हम एक तरह की सब्जी नहीं देते, बनी हुई सब्जी हम पैक करके उनके घर पहुंचाते हैं। एक्चुअल में जो पैकिंग के अंदर हम परहेज करते हैं कि लिक्विड वाला सामान ना हो, जो भी हो सामान गाढ़ा हो, जो रोटी के साथ हो, पूरी के साथ हो, चावल के साथ चल पाए, क्योंकि पैकिंग के अंदर वो अगर पानी वाला सामान हुआ फिर पैकिंग में दिक्कत रहती है, तो इस बात का हम ध्यान रखते हैं। आगे तक बढ़ता है तो ये इसी, हाँ, ये कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। ओके सर, रविंद्र जी, किस तरह ये सेवा चल रही है, क्या है पूरा मैटर, बताएं इसके बारे में शब्दों में। मतलब कि सेवा तो गरीब आदमी के लिए चल रही है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, डेली कमाने वाले बंदे हैं जो, वही उनको दी जा रही है, बाकायदा लाइन लगा के चार दूरी के ऊपर बना बना के दिए जा रहा है उनको, इस तरीके की सेवाएँ चल रही है हमारे पास। तो मेरा नाम राजेश वर्मा है। मैडम, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उसके दूसरे दिन से हम इस ये हमने आयोजन किया हुआ है। ये कोई सेवा नहीं है, कोई चुन पुन नहीं है, ये हमारा देश, समाज और हमारे भाईचारे के प्रति हमारा सहयोग है, ये हमारी जिम्मेवारियां हैं जो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम जितना हो सकता है राइट पर्सन के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, जितना हम कर रहे हैं। हमने 50-60 आदमियों से स्टार्ट किया था, 200-250 आदमियों तक पहुँच चुके हैं, उसके बावजूद भी बहुत दुनिया भूखी प्यासी अभी भी है, जिन तक पहुंचने की सरकार को या हम सब लोगों को भाईचारे को ज़रूरत है। पर अब जहाँ जहाँ ये बंदिश लग रही है तो उससे इस व्यवस्था को पूरा करने में भी दिक्कतें आ रही हैं, और समाज का और मित्रों का बहुत सहयोग मिलता है, सबसे ज़्यादा धन का सहयोग मिलता है, पर तन का और मन का सहयोग बहुत कम मिलता है। मीडिया के माध्यम से आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कि भाई आगे से आगे बढ़ें और स्वच्छ, सुंदर, साफ़ सुथरा खाना बनाएं और मैक्सिमम लोगों की हेल्प करने की कोशिश करें, यही प्रार्थना है सबसे, पूरे समाज से, देश से। संकट की घड़ी है, इससे हम निकल जाएंगे कभी ना कभी। रेज इंडिया फाउंडेशन लॉकडाउन में तो अपनी सेवाएं दे रहा है, साथ में बीते करीब 6 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में भी संगठन तेजी से काम कर रहा है।
यही वजह है कि रेज इंडिया फाउंडेशन आज तेजी से सभी के बीच अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। उत्तम नगर नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए सहयोगी गुलशन सैफी के साथ किरण शर्मा की रिपोर्ट।